इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने का करके दिखाएंगे। यह मानता हूं कि महंगाई यदि बढ़ रही है तो इस गवर्नमेंट की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, रॉन्ग इकोनॉमिक प्लानिंग और करप्शन प्रमुख रूप से तीन कारण है जिन कारणों से महंगाई बढ़ रही है। इतना बड़ा चुनाव हुआ, एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या? किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा गया क्या महंगाई मुद्दा नहीं है, क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? मैं हैरान हूं, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया? कम से कम वो तो रूलिंग पार्टी को पूछना चाहिए। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि बाजार माफिया हर दो महीने में महंगाई पर तेल का तड़का लगा रहे हैं, और महंगाई पर इस तेल के तड़के का नतीजा ये हो रहा है कि आम आदमी जो महंगाई से बुरी तरह से पीड़ित है, परेशान है, वो और ज़्यादा परेशान हो रहा है। और इस बाजार माफियाओं के साथ साठगांठ करके ये सरकार महंगाई को बढ़ाने में काम कर रही है। When will you move beyond lip service? What you have seen is a steady increase in prices. What you have seen is a steady increase in food inflation, and what you've seen is a steadfast, I feel that a steadfast notion on behalf of the government of India that we will make proclamations, but we'll not implement what we say. 2014 को देखिए, headline बनती थी महंगाई। आज महंगाई की चर्चा ही नहीं है पिछले चुनाव में।